गाइस अब हम निकल गए हैं सीकरी से फतेहपुर सीकरी की ओर। ये देखिए सामने जो गेट है ना, और ये हमारे गाइड भैया बहुत अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर करने में मदद कर रहे हैं और मुझसे ज्यादा इस जगह के बारे में नॉलेज रखते हैं। गेट जो देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए गाइस रास्ताई गेट अकबर रास्ताई के लिए। अकबर फ्राइडे को इसी गेट से अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। अच्छा, इसी गेट से नमाज पढ़ने के लिए आता था रॉयल फैमिली, अंदर जामा मस्जिद है। ये अकबर स्पेशल रॉयल फैमिली का गेट था जी, जो बुलंद दरवाजा था वो एक आम जनता के लिए था, पब्लिक के लिए। ओके, अभी हम लोग पहले अपना शूज खोलेंगे। ओके, शूज खोलने के बाद अंदर एंट्री करेंगे। गाइस ये फतेहपुर सीकरी का बादशाही गेट, यहाँ से रॉयल फैमिली की एंट्री होती थी। ये देखिए स्पेशल फ्राइडे के दिन अकबर नमाज पढ़ने के लिए इसी गेट से अंदर आता था, और आपको भी अंदर से ले अंदर ले चलते हैं। ये देखिए भाई बात लग गई आज इतनी गर्मी। ये देखिए गाइस हम गेट से अंदर करते हैं एंट्री करते हैं। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग कलाकारी, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और ये देखिए गाइस हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का नज़ारा है, जो वाइट संगमरमर में है। ये मेन दरगाह, और ये पूरा परिसर दरगाह परिसर फतेहपुर सीकरी। ये देखिए गाइस आप लोग फतेहपुर के अंदर आ चुके हैं। गाइस हम आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर, तो जिस गेट से आए थे वो बादशाही गेट, बादशाही गेट है ये अकबर के लिए। ओके, वो बुलंद दरवाजा था आम जनता के लिए। ओके, बुलंद दरवाजा वो है, अभी दिखाएंगे इसको। और सामने है जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद है, यहाँ पे अकबर नमाज पढ़ने आता था पांचों टाइम की नमाज। हाँ, हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। हाँ, अब भाई उस बात को बताओ जो अकबर के तीनों रानियों के कोई संतान नहीं थी, तो यहाँ पैदल चल के आया था ना। अकबर के पास तीनों रानियों से कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, मगर अकबर पहले अजमेर गए थे। ओके, यहाँ दरगाह है मुहिद्दीन चिश्ती की। अकबर को एक सपना हुआ फतेहपुर सीकरी जाइएगा। जब अकबर वासा नंगे से नंगे पैर बाबा से दुआएं मांगने लगे, जब इनके आशीर्वाद से महारानी जोधाबाई से लड़का हुआ था, जिसका फर्स्ट नेम सलीम था, सेकंड नेम जहांगीर, जब राजगद्दी पर बैठा गया। राइट बात है, तो अकबर ने जगह को अपनी लड़की की खुशी में बनवाया था मोस्टली। गाइस सूफी संत हजरत सलीम चिश्ती से मन्नत मांगी थी, तब जाके जोधाबाई के सलीम पैदा हुआ था, और फिर बाद में अकबर इस पूरी इमारत को अपने हिसाब से तैयार करवाता है। ये देखिए पूरा परिसर, अभी बुलंद दरवाजे की ओर चलेंगे, जहाँ पे बहुत ही फेमस पॉपुलर गानों की शूटिंग हुई है। ये देखिए गाइस, तो अभी हम लोग वो देखेंगे जो लोग सुरंग बताते हैं, मगर वो सुरंग नहीं है, नीचे का कच्चा रास्ता है। हाँ, और गाइस अपनी वीडियो के माध्यम से एक और हम खुलासा करेंगे, काफ़ी बहुत सारी यूट्यूबर अपने व्यूज पाने के लिए उसको उस गुफा को उस सुरंग को अनारकली का तहखाना बोलते हैं, यहाँ पे अनारकली चिनवाई थी अकबर, पर ऐसा नहीं। अपने वीडियो के माध्यम से हम उस चीज़ का खंडन करेंगे, आपको उस और ले चलते हैं। और भाई ये क्या पूरा सारी समाधियाँ हैं चिश्ती के फैमिली के लोगों की। अच्छा, चिश्ती की फैमिली की। ओके गाइस, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये पूरा कब्रिस्तान है, ये चिश्ती फैमिलीज की कब्रें हैं। ये बाहर आप देख पा रहे हो ये जेंट्स की है, और अंदर पर्दे में महिलाओं की है। अंदर महिलाओं का है, लेडीज, बाहर जेंट्स का है, जैसे डॉम नजर आ रहे हैं ऊपर जहाँ मसाले लगाते हैं। ये कितनी छतरियाँ टोटल पूरी? काफी छतरियाँ हैं, 365 से ऊपर ही है। अच्छा अच्छा, एक्चुअली यहाँ मसाले लगाते थे। अच्छा अच्छा, मसाले। ओके ओके, लाइटों के लिए। ओके, ये देखिए आज भी दफनाते हैं ना चिश्ती फैमिली की इधर भी, और उनके उनका महल भी इधर भी है। हाँ, जो आम जन के लिए बंद है ना जी। ये देखिए ये महिलाओं की है, ये सब महिलाओं के लिए चिश्ती फैमिली। गाइस ये पूरा कब्रिस्तान है। मैं दो की तो आया, दो के मैम,
तो सामने जो जाली है ओके, हाथ के ओर के हाथ का घर के अंदर पड़े, ये चिश्ती फैमिली की महिलाओं की रिकवरी पूल है जी। ओके, और बाहर से कुछ नहीं नजर आएगा, सारा पर्दा सिस्टम। ओके, ये देखिए गाइस पर्दे में भी कवरे हैं, ये देख रहे हो चिश्ती फैमिली की, आज भी यहाँ दफनाई जाती है चिश्ती फैमिली की, फैमिली वालों के लिए। गाइस ये देखियो, इसी सुरंग को अनारकली सुरंग कहा जाता है, पर अपनी वीडियो के माध्यम से मैं शैलेंद्र वर्मा आज इस सारी चीजों का खंडन करता हूँ, ये कोई सुरंग नहीं है, ये अनारकली की कोई सुरंग नहीं है, लगभग 15 से 20 फुट की ये कब्रिस्तान है, और इसको ज्यादातर यूट्यूबर ये बोलते हैं कि ये अनारकली की सुरंग है, और अकबर ने अनारकली को यहाँ चुनवाया था, बार सारी भाई मनगढ़ंत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। 15 से 20 फुट की लगभग इसकी अंदर ये गहराई है, और पूरा कब्रिस्तान है, कोई अनारकली और लाल नहीं जाती और कोई आगरे नहीं जाती, यही भाई सारी मनगढ़ंत, हाँ मनगढ़ंत बात है भाई, व्यूज के लिए बस इतिहास से खिलवाड़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है भाई। और भाई ने ये सारी जानकारी मुझे दी है, कोई अच्छा ऑथराइज्ड गाइड पकड़ो जो आपको अच्छे से नॉलेज देगा, ये अनारकली की कोई गुफा नहीं है, ये कब्रिस्तान है, ठीक है, अंदर कच्ची कब्र है, हाँ अंदी लगभग 10 से 15 फुट की और कुछ नहीं है, पूरा कब्रिस्तान है। गाइस ये देखो मुगल काल अकबर के टाइम का वाटर कूल, जो इसके इस दीवार के पीछे नदी होती थी, वहां से नदी से टकरा के हवा आती थी, ये देखिए ये वाटर कूलर है, हाँ ये देखिए गाइस, और यहाँ पे आराम से बादशाह और रानियाँ बैठती थी, ठंडी ठंडी हवा, पूरा परिसर ठंडा होता था, ये देखिए, और ये देखिए गाइस एक एक भैया है, काफी सुंदर सुंदर इयर रिंग्स वगैरह सेल कर रहे हैं, कुछ चाहिए तो ओके। अच्छा अंदर भी ये सारी समाधि है, अंधेरा कितना है, रुक जा बे, ये पत्थर का गेट है, अच्छा ये निकाल दिया ना, ये टूट गया है, निकाल दिया है, अच्छा ये गाइस ये देखो पूरा पत्थर से बना हुआ गेट है, इसी कितना लगा था ये, अच्छा इसमें लगा था, ओके निकाल दिया, और ये देखो गाइस बाहर भी कब्रें हैं, पहले बुलंद दरवाजे की ओर चलते हैं फिर सीधा आएंगे, हैं हाँ यतीम फिल्म का सीन यहाँ फिल्माया गया था, उसको भी बताएंगे, नहीं वहाँ से होते हुए सीधा हाइट भी करेंगे बुलंद दरवाजे से, चलो ठीक है। गाइस ये वाइट मार्बल से बनी हुई हजरत से सलीम जी की दरगाह, सलीम चिश्ती की दरगाह, ये देखिए ये पूरा परिसर, ये देखिए काफी खूबसूरत। गाइस ये न्यू फतेहपुर सिटी है, और ये देखिए हम बुलंद दरवाजे पे आ चुके हैं गाइस, और ये देखिए नीचे जमीन तल से सीढ़ियों की लंबाई लगभग 54 मीटर है, और यहाँ से 52 स्टेप है ओके, और ये देखिए गाइस ये बुलंद दरवाजा एशिया का सबसे बिगेस्ट द्वार, बुलंद माने बड़ा, द्वार माने नहीं दरवाजा माने एक तरह से गेट, ये देखिए एशिया के सबसे बड़ा गेट बुलंद दरवाजा, आप ले चलते हैं, वाह साइड में फारसी लिखी हुई है, ओके आयात लिखी है फारसी में, ये देखिए डॉक्टर साहब ये है भाई अपना हिंदुस्तान भारत, वाह ये लोग डोल लेंगे, अंदर से पूरा खाली है, एम्प्टी एशिया का सबसे बड़ा, ये दिखाइए अंदर से खाली है, अच्छा ये क्या था, पे टेका हुआ ये पूरा सेंटर, वाह एक पिलर पे, वाह ये देखिए खाली जगह, और ये बुलंद दरवाजा, बुलंद सबसे बड़ा बड़ा द्वार, पीछे आपके और पूरा न्यू सिटी, वहाँ सिटी वॉल है फतेहपुर सीकरी का, ओके जंगल में सिटी वॉल बना हुआ है, और ये देखिए गाइस बुलंद दरवाजा, माय गॉड ये सिया का सबसे बड़ा दरवाजा फतेहपुर सीकरी, और इसी के अंदर गाइस सलीम चिश्ती की दरगाह जी है, सूफी संत है जो अकबर के गुरु, और यहाँ ही गाइस एक यतीम फिल्म भी चुका रहा है, मेरी निगाह पे सब कुछ लुटा रहा हूँ, यहाँ से ही सनी पाजी और उनकी हीरोइन वो बच्चे के साथ डांस भी करती हैं यहाँ से, और फिर इस गेट के अंदर जाती हैं जैसा हम जाने वाले हैं, आइए ये देखिए गाइस एशिया का सबसे बिगेस्ट गेट हम एंट्री कर रहे हैं, माय गॉड कसम पानी फैला दिया, वाह यार हमें नीचे
ये देखिए गाइस, सनी पाजी भी इस गेट से एंट्री करते हैं। और इनका क्या लग, इनका पता ना, ये वेड लक और गुड लक घोड़ों के ना, गुड लक। वाह, ये देखिए गाइस, बुलंद दरवाजे से एंट्री कर लिया हमने। और आप जैसे कि सामने देख पा रहे हो, शेख सलीम चिश्ती परदेश का एक सीन यहाँ भी लिया था जी। इसी गैलरी से मेहमा चौधरी आती है ना, अच्छा यहाँ से लिया। ओके, अब क्या गाइस, हम दरगाह परिसर की ओर चलते हैं। ये देखिए यार, रॉयल सेलिंग ब्लॉक्स, रॉयल सेलिंग ब्लॉक्स। ये देखिए गाइस, यहाँ पे वो सीन का दूसरा सीन होता है। यहाँ पे डैनी और उसका लड़की के पिता उसको अरेस्ट करवाने खड़े होते हैं सनी पाजी को। यहाँ पे हाँ, यहाँ से छड़ाने के लिए चादर लेते हैं पेड़ की। और यहाँ वो कब्बाली किधर चलती है, कब्बाली इधर ही चलती है ना। और ये गाइस, जो अकबर बादशाह के गुरु थे सलीम चिश्ती, उनकी दरगाह जो मेन परिसर है। ये देखिए गाइस, पूरा परिषद काफी खूबसूरत। बस यहाँ से ही सनी पाजी चादर लेते हैं फूल याद है। और गाइस, यहाँ से हाथ पैर धोते हैं, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे हाँ डैनी, इधर ही सीन होता है। अब सीधा अपन जाने वाले हैं सलीम जी की दरगाह में, जो सूफी संत है, काफी मान्यता है उनकी भी। जय बाबा। ये देखिए काफी खूबसूरत व्हाइट संगमरमर से बना हुआ पूरा दरगाह सलीम चिश्ती जी, हजरत सलीम चिश्ती। ये देखिए गाइस, वाओ। ये देखिए अंदर से, ओके ओके। ये देखिए गाइस, अंदर से बहुत ही खूबसूरत। ये हजरत सलीम चिश्ती के अंदर आ चुका हूँ मैं, ये मेन दरगाह है उनकी। ये देखिए, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ धागा भी बांधते हैं, वो सीन में भी मैं भी बांधूँगा अभी। जय बाबा। दरगाह परिसर का परिसर है, यहाँ राउंड लगाया जाता है। यहाँ पे बहुत ही
शानदार जालियों का काम हो रखा है, ये देखिए 156 जालियां हैं और हैंड वर्क है पूरा टोटल, ये देखिए वहाँ पूरा वाइट संगमरमर से काम हो रखा है, ये देखिए। हाँ हाँ लेडीज़ के लिए, अच्छा लेडीज़ के लिए अभी एंट्री है अंदर, अभी है अच्छा, अकबर की टाइम नहीं था। ये फेस्टिवल का फोटो है रमजान मेला, सूफी संत हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह, ये मेहंदी है आपको मैंने दिखाई अच्छे से, जय बाबा की। ये तो अंदर से खाली है, अच्छा खाली है, बारिश होती है ना हाँ, छत्ता पानी गिरता है इस पे, अच्छा अच्छा नीचे गिरता, अच्छा इसके अंदर ही आता है वो और गाइस ये देखिए दरगाह से निकल के बाहर पूरे परिसर का लुक, गाइस आज की वीडियो में हमने शिखरी की महल जोधाबाई वगैरह सारे की कवर किए और फिर बाद में बुलंद दरवाजा और जो मेन सूफी संत हजरत सलीम चिश्ती जी की दरगाह थी वो कवर की और भाई ने काफ़ी साथ दिया जाए, ये हमारे गाइड बन के आए, इन्होंने काफ़ी नॉलेज से इस वीडियो में फतेहपुर शिखरी और शिखरी की ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश ट्राई करी है आपको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐतिहासिक ऐसी पैलेस में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को लव यू, जय हिंद जय राजस्थान, बाय बाय।